सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज ओवरलोडिंग इन कॉटलिन। ओके, तो बस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। लाइक एक पर्सन जो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता हो ना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो गाइस, जो पॉलीमॉर्फिज्म जो अचीव करते हैं हम कॉटलिन के अंदर ना, वो दो तरीके से करते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के थ्रू करते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में पहले हम ओवरलोडिंग देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, ओवरलोडिंग क्या होता है बेसिकली, मतलब इसका अगर मैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से देखूँ इसको तो, ठीक है। तो बस क्या है, कहने का जैसे मतलब ये है ना कि लाइक सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ओके, अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलो इसको ना, तो गाइस हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट गाइस पता है क्या, फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है इसके अंदर उसकी जो फंक्शनैलिटी है ना, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बस क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू पहले क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ मैं, अपन मान लो टेस्ट नाम का, सिंपल कॉट इट। ओके, अब कैसे करता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ, मान लो मैंने फन बनाया एक डिस्प नाम का, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एंड गाइस मैंने क्या किया, प्रिंटर ने लिखा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज नॉर्मल फंक्शन, सिंपल। ओके, सिंपल हो गया। अब गाइस क्या किया, देखो तो छोटा करता हूँ। अब गाइस क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया जो कि डिस्प नाम का ही है, समझे, डिस्प नाम का ही, ठीक है, समझे, यहाँ पर। ओके, लेकिन गाइस क्या कर रहा है, मुझको अभी ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि आप सेम नाम का फंक्शन कभी नहीं बना सकते, ठीक है। बट गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मैं जो फंक्शन बनाऊंगा ना, मतलब मैंने कहा था कि सेम फंक्शन नेम तो होंगे बट डिफरेंट फंक्शनैलिटी रोल प्ले करेंगे। ओके, तो गाइस देखो कैसे करना है, मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल पुट कर दूँ ना, ओके ओके सॉरी, यहाँ पर इंटर दे रहा हूँ मैं, सिंपल। अब गाइस देखो कोई मुझे एरर नहीं आ रहा, ये दोनों फंक्शन अब डिफरेंट हो चुके हैं। देखो गाइस, ये रोल अलग प्ले करेगा, अब ये रोल अलग प्ले करेगा, बस ये जस्ट कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ गए एंड प्रिंटर मेरे पास के, यहाँ पर मान लो एक्स पास करके, सिंपल। ओके, एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ डिस्प नाम का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन गाइस इसके अंदर मैं डिफरेंट पैरामीटर करता हूँ। लाइक मान लो कि मैंने एक एक्स पास किया यहाँ पर इन टाइप का, देन वाई पार्ट किया मैंने इन टाइप का, सिंपल। अब गाइस देखो ये तीनों सेम नेम के फंक्शन है बट रोल क्या प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पर, समझे, यहाँ पर। तो बस क्या करता हूँ, देखो मैं प्रिंटर लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंटर पास किया, देन मैंने पास किया एक्स इंटू वाई, सिंपल। ओके, दैट सेट का इसका हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। तो गाइस अब क्या करना है, मुझको जस्ट और जस्ट मेन फंक्शन में क्या करना है, इसको कॉल करना है, सिंपल। ओके, लेट्स सी, अब कैसे क्या करता हूँ, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, वेल एंड टेस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल। एंड बूम गाइस, अब क्या करना है गाइस, आपको टेस्ट से कॉल करना है डिस्प को। देखो फर्स्ट आप कॉल किया मैंने ये जो कि नो पैरामीटर है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। अब गाइस क्या किया, एक मैंने टेस्ट को दोबारा कॉल किया, सॉरी, टेस्ट डॉट डिस्प कॉल की जो एक पैरामीटर लेगा, मान लो मैंने 12 दे दिया। अब ये दोबारा से मैंने कॉल किया टेस्ट को, जो कि थर्ड दो पैरामीटर लेगा ये, सिंपल, मान लो 12 एंड देन 12। एंड गाइस सिंपल, देखा, बहुत ज़्यादा सिंपल काम था। देखो गाइस दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो मैंने बताया था ना आपको, एक पर्सन जो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूँ, ओके, तो बस यहाँ भी जो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, एक फंक्शन बट डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है ना यहाँ पर। मतलब देखो डिस्प सेम है, डिस्प सेम है, डिस्प सेम है, फंक्शन का नाम तो सेम है ना, बट वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट सेट पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म हमने कैसे अचीव की, ओवरलोडिंग के थ्रू यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। ओके, अब गाइस क्या किया, इन फंक्शन को मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर, यहाँ जस्ट कॉल कर लिया, देखो, पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ किया ना यहाँ पर। ओके, दैट्स अ यू नो, कोई बस इतना ही काम था इसका। ओके, अब कैसे करता हूँ, मैं इसको एक बार रन करवा देता हूँ एक बार, और लेट्स सी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, एंड गाइस आप गैस करो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेट्स सी।
एंड गाइस देखा दिस इज़ नॉर्मल फंक्शन 12 एंड 144 आएगा, ठीक है गाइस। क्या हुआ, ये आ गया पहले तो, देन ये आया, देन ये चला, ओके। तो गाइस बस यही कॉन्सेप्ट था ओवरलोडिंग का, ओके। एंड आई होप गाइस कि आपको जस्ट और जस्ट क्लियर हो चुका होगा इसके अंदर, ओके। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई ना गाइस, प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर देना, ठीक है। अगर लाइक देते हो ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियो डेवलप करने का, ओके।